सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डायपोल-डायपोल इंटरेक्शन. और ये एकेडमिक के सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप इसको इस हिसाब से पढ़ना कि ये सिर्फ और सिर्फ जेईई और नीट में है. ठीक है, तो आपको करना क्या पता है, ये क्वेश्चन है बेसिकली. यू हैव फोर क्वेश्चंस. दिस इज पी वन, दिस इज पी टू, बोथ आर पैरेलल. दिस इज पी वन, दिस इज पी टू. ये क्या है, डायपोल मोमेंट है. दिस इज पी वन एंड दिस इज पी टू, पी वन एंड दिस इज पी टू. ठीक है, इन ऑल फोर केसेस यू हैव टू फाइंड, है ना, कि क्या पी वन और पी टू में फोर्स आएगा और क्या पी वन और पी टू में टॉर्क आएगा. तो दिस इज योर क्वेश्चन, समझ गए. एक सेट, सेकेंड सेट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. ठीक है, फाइंड टॉर्क एंड फोर्स ऑन पी टू. मतलब जो सेकंड डायपोल है उसको आपको पता करना है टॉर्क और फोर्स. मतलब पता नहीं करना, इसलिए अभी पता भी करेंगे. अभी आप ये सिंपली बताइए कि किस केस पे फोर्स जीरो होगा और किस केस पे टॉर्क जीरो होगा. नाउ यू हैव टू पॉज दिस वीडियो, टेक दिस स्क्रीनशॉट, नोट डाउन इन योर कॉपी एंड ट्राई टू फाइंड आंसर. ठीक है, कि चार केसेस हो गए, किस किस केस पे फोर्स आएगा पी टू पे और किस केस पे केस में टॉर्क आएगा. समझ लेना क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, स्क्रीनशॉट लेना है. स्क्रीनशॉट ले लिया आप, ठीक है, और आप देखिए कि आप इसका आंसर दे पाते नहीं दे पाते. मैं यहां पर सॉल्व करता हूं, तुम लोग एक बारी बारी डिस्कस करेंगे. ठीक है, फर्स्ट वी हैव पी वन पी टू, चलो यही से डिस्कस करते हैं, बाद में इसको ड्रॉ करता हूं मैं. वी हैव पी वन एंड पी टू. ठीक है, अब जरा इमेजिन करिए आप, ये डायपोल है और ये डायपोल ऐसा रखा होगा, ये इसका नेगेटिव होगा, इसका पॉजिटिव होगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट है. और डायपोल मोमेंट कहां से कहां होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो दिस इज डायपोल मोमेंट. ये पी टू रखा हुआ है. ठीक है, अब आपको पता है कि अगर ये पी टू यहां पे रखा हुआ है, दिस इज पी टू, चलिए यहां बना देते हैं, दिस इज पी टू, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, ये ऑब्वियस बात है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगी ना, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इधर ही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. ये ऐसे पी है तो इसका ये इसका एक्सल पॉइंट हो गया, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी. यहां पर अच्छा, हाँ, फोर्स तो बताना ही था आपको, साथ में ये भी बताना था कि वेदर फोर्स इज, मतलब फोर्स जीरो है या है, और है तो वेदर इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो देखिए, दिस इज माइनस टू है, नहीं यार, अगर पी टू है तो ऑब्वियस बात है नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा, और ये पी वन है तो ये इसकी फील्ड होगी. और आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. ठीक है, देखिए जो माइनस क्यू है इसकी डिस्टेंस पी वन से कम है, तो यहां पे फील्ड स्ट्रांग आएगी, और इसकी डिस्टेंस पी वन से ज्यादा है तो यहां पे फील्ड वीक आएगी. ठीक है, इस पर कैसा फोर्स होगा बताइए. दिस चार्ज नेगेटिव, और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं पिछले वाले आपने लेक्चर्स पता नहीं देखे या नहीं देखे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, जिसमें मैंने आपको लेक्चर दिया था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर मैंने लाइन आपको बहुत बार बताई थी कि जब भी माइनस चार्ज होता है उस पर जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आता है. तो बताइए इस माइनस क्यू पे किधर फोर्स आएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस पर इधर फोर्स आएगा F1. ये प्लस क्यू, प्लस क्यू इस पर फोर्स इधर आएगा, उस पर उधर आएगा, लेकिन फोर्स थोड़ा कम आएगा कंपेयर टू F1. ठीक है, क्यों कम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस यहां पे कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा होगा. बताइए नेट फोर्स इधर आ गया, नेट फोर्स इधर आ गया तो आपका आंसर क्या होगा, कि देयर विल बी अट्रैक्शन. आई बात समझ में, अट्रैक्शन होगा. और अगर मैं पी टू को उल्टा कर दूंगा तो रिपल्शन. इसको कॉपी में नोट करिए, मैं लिख नहीं रहा कुछ. ठीक है, कि पी वन एंड पी टू आर अलोंग द सेम लाइन एंड हैविंग सेम डायरेक्शन, सेम लाइन लाइन पे और सेम डायरेक्शन है, तो देयर विल बी अट्रैक्शन. ठीक है, और थर्ड लॉ तो आपको पता ही, थर्ड लॉ क्या होता है कि यहां पर अट्रैक्शन आएगा तो ऑब्वियसली बात है यार ये भी इसको खींच रहा होगा. ठीक है, क्योंकि नेचर का जो फोर्सेस होती है वो एक्शन रिएक्शन पेयर में पाई जाती है, और हर एक्शन की एक रिएक्शन होती है, एंड एक्शन एंड रिएक्शन किधर काम करती है, दे एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन. तो अगर आपने P2 पे निकाला कि देयर इज अ फोर्स विच इज अट्रैक्टिव, सो देयर मस्ट बी फोर्स ऑन P1 विच इज ऑल्सो अट्रैक्टिव इन नेचर. ठीक है, व्हाट अबाउट टॉर्क, कोई मतलब ही नहीं बात करने का टॉर्क. ठीक है, टॉर्क तो आएगा ही नहीं यार, ये फोर्स F1 F2 आ गया, आपको टर्निंग इफेक्ट दिख रहा है, देयर इज नो टर्निंग इफेक्ट, सो देयर इज नो टॉर्क. ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, देन वी हैव दिस, दिस केस P2 एट सम डिस्टेंस नॉर्मल पार्टिकल. ओके, चलिए भाई, अगर ये टाइप ऐसे है तो दिस विल बी
माइनस क्यू एंड दिस विल बी प्लस। बहुत छोटे होते हैं डायपोल, डायपोल बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये बहुत छोटा है, ठीक है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आएगी इस पे प्लस क्यू पे, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू पे भी आएगी। अरे हम डायरेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं यार, अब डायरेक्शन का पंगा मत लेना। आप बोला कि सर इस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, इसके ऐसे होगी, बहुत छोटा होता है डायपोल, मॉलिक्यूल्स में होता है, ठीक है। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायपोल मोमेंट पी है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे आएगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे आएगी, ठीक है। बताइए प्लस क्यू पे किधर फोर्स आएगा, प्लस क्यू पे फोर्स आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस क्यू पे तो फोर्स इधर आएगा, ठीक है, और माइनस क्यू पे फोर्स इधर आएगा, यार इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू पे फोर्स इधर आएगा, तो माइनस क्यू पे फोर्स आएगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इन दिस डायरेक्शन, लॉन्गेस्ट डायरेक्शन। क्या क्या बताइए, व्हाट इज नेट फोर्स, अरे भाई जितना फोर्स इस पे आनेगा उतना ही फोर्स इस पे आनेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, समझ रहे हो आप, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस पे फोर्स इधर आएगा, तो व्हाट इज नेट फोर्स, नेट फोर्स इज जीरो, टॉर्क आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा टॉर्क, टॉर्क आएगा यहां पे, टॉर्क आपको फाइंड करना है, सारे आंसर ही मुंबई, ठीक है, और आप ये आंसर निकालेंगे। काफी बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं व्हाट्सएप पे, भाई आप लोगों से मैंने हर स्लाइड में मैं दो तीन क्वेश्चन देता हूं, और आपके बैच से कोई नहीं पूछता है, दो चार बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं सर उनके आंसर दे दो, दो ही चार लोग सीरियसली पढ़ रहे हो, बाकी वो सीरियसली पढ़ नहीं रहे आप लोग, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या निकालना है, टॉप निकालना है, दिस इज यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस, बता दू डिस्टेंस आर है यहां से यहां की डिस्टेंस, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज आर, इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस कितनी है आर है, एंड यू हैव टू फाइंड टॉर्क, तो फोर्स इज जीरो एंड टॉर्क आ जाएगा यहां पे, जो कि आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। सेकंड केस, थर्ड केस क्या था, थर्ड केस ये था आपका पी वन, ये था आपका पी टू, ठीक है, आपको याद होगा कि जो इक्वेटोरियल पॉइंट होता था, इक्वेटोरियल पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है दैट एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल पॉइंट, तो अगर ये पी वन है ना, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर आएगी, समझे आप, और ये अगर P2 है तो इसका मतलब यहां पे प्लस क्यू होगा और यहां पे माइनस क्यू होगा, बिल्कुल डिस्टेंस सेम होगी इन दोनों की, समझे, बहुत छोटा होता है डिस्टेंस, ऑलमोस्ट सेम होगी, समझे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों पे सेम आएगी, ठीक है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू पे आएगी उतनी माइनस क्यू पे आएगी, तो नेट फोर्स क्या होगा बताइए, नेट फोर्स यहां पे जीरो हो जाएगा, तो इन दिस केस एफ नेट इज जीरो, ठीक है, फोर्स नहीं आने का इन दोनों केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये डायपोल मोमेंट है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घूम के इधर आएगी, तो प्लस क्यू पे किधर फोर्स आएगा, इधर आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस क्यू पे फोर्स किधर आएगा, अपोजिट, इसका अपोजिट ये हो गया, तो दोनों की फोर्सेस क्या करेगी, कैंसिल कर जाएगी, तो देयर इज नो फोर्स, एंड व्हाट अबाउट टॉर्क, टॉर्क भी नहीं यार, देखो ना दोनों फोर्सेस ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो देयर इज नो टॉर्क, ठीक है, और दिस इज पी वन एंड दिस इज, अभी आंसर किया, बोले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड घूम के मतलब अपोजिट आती है ना, यहां पे E1 आएगी, चलो तो ये डायपोल पॉइंट ऊपर की तरफ है, डायपोल पॉइंट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ होता है, दिस इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी इस तरफ, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लिख लेते हैं, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो जाएगी, डिस्टेंस आएगी ना, दिस डिस्टेंस, ठीक है, तो यहां पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी, बताइए माइनस क्यू पे किधर फोर्स आएगा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आएगा इधर, ठीक है, और प्लस टू पे किधर फोर्स आएगा, इस पे इधर आएगा, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे फोर्स कितना होगा बताइए, यहां पे तो फोर्स भी आ जाएगा, ठीक है, यहां पे फोर्स भी आएगा और यहां पे टॉर्क भी आएगा, दोनों आएंगे, फोर्स एंड टॉर्क, ठीक है, कैसे ध्यान रखना यार, जेम ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के, ठीक है, टॉर्क्स दिख रहा है आपको यार, प्लस क्यू पे इधर फोर्स आएगा, माइनस क्यू पे इधर आएगा, मिलके कपल बना देंगे, कपल बना के घुमा देंगे, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीन इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में, और एक फॉर्मूला है हमारे पास, डेरिवेशन है, फोर्स बिटवीन टू डायपोल्स, फोर्स
between two dipoles. Both are axial, but दोनों axial position में है. This is P1 and this P2 and center to center distance is R. This distance is R. ठीक है. अब अगर ये P2 हुआ तो यहां पर ये क्या होगा, ये माइनस क्यू होगा.